नमस्कार, आपका स्वागत है डीएनए खबर में। कोरोना को लेकर भारत में कई वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की टीम संयुक्त रूप से काम कर रही है ताकि किसी दवा को खोजने में मदद मिले या फिर जल्द किसी वैक्सीन को बनाने में सफलता हासिल हो सके। इसी बीच कई स्टडियों में नए तथ्य सामने भी आ रहे हैं जिनके बारे में हमें पहले से ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऐसी ही भुवनेश्वर आईटीआई और एम्स के साझा सोर्स के मुताबिक तापमान कम होने के कारण बरसात में कोरोना संक्रमण पीक पर होगा और सर्दी में यह काफ़ी तेजी से बढ़ेगा। आईटीआई भुवनेश्वर स्कूल्स ऑफ अर्थ ओशन एंड क्लाइमेटिक साइंस के विनोद वी गोपीनाथ एन और लंदू के तथा एम्स भुवनेश्वर के डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के बिजयानी बी और बैजयंती माला एम ने यह अध्ययन किया है। इन शोधार्थियों ने दावा किया है कि बरसात के मौसम में तापमान कम होगा और वायुमंडल की शीतलता क्रमशः शीत ऋतु की तरह गति करने पर देश में कोरोना संक्रमण के लिए बेहतर होगा। इस रिपोर्ट में अप्रैल और जून में 28 राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण पद्धति एवं संक्रमण संख्या को अध्ययन का आधार बनाया गया है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि तापमान बढ़ने से कोरोना वायरस संक्रमण की गति कम हुई है, ऐसा शोध में पाया गया है। तापमान प्रभाव का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए अभी और शोध की जरूरत है। अध्ययन के मुताबिक तापमान 1 डिग्री बढ़ने से संक्रमण का मामला 0.99% कम हो जाता है। वायरस की क्रिया धीमी होती है। संक्रमण के दोगुने होने की गति 1.13% कम हो जाती है। शोधार्थियों ने यह भी कहा है कि यह अध्ययन बरसात और शीत ऋतु के आरंभ के समय में किया गया है। तापमान प्रभाव का सटीक प्रभाव स्पष्ट करने के लिए अधिक शोध की अभी ज़रूरत है। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको देश व विदेश से जुड़ी हर खबर की जानकारी आप तक पहुंचा सकें। ऐसी ही कई अन्य खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए डीएनए खबर के साथ।